तो अब आपको बताते हैं नरपत सिंह राजवी का जो आधिकारिक बयान सामने आया है। खाचरियावास में जन्मे पिछले दिनों हुए जनशताब्दी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सिर्फ डोम बनाने के अलावा क्या कार्यक्रम किया था, इसके अलावा क्या योगदान था पार्टी का। जिन भैरव सिंह शेखावत ने पूरा जीवन पार्टी के लिए दिया, गरीब को गणेश मानकर चले, उन्हीं की नीति पर भाजपा चल रही है। पार्टी को और सहयोग करना चाहिए था। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की जयंती 23 अक्टूबर को है, बड़े फंक्शन में हम क्या दिखा पाएंगे, सवाल के तरीके से उन्होंने बयान में कहा। उन्होंने कहा कि लोगों की ताकत साथ आएगी। राजस्थान के कोने कोने से फोन कॉल आ रहे हैं, देखेंगे कि लोगों से बातचीत के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। बड़ा बयान अपने आप में। हमने तो देखा वहां पे कितनी एक्टिविटी थी, सुमेधानंद जी थे जरूर, खूब लगे उसमें, अभिमन्यु लगा और मैं उसमें भी उसमें समय दिया। बाकी एक डोम बनाने के अलावा पार्टी का उसमें योगदान कितना था वो जनता भी जानती है। हमारा श्रेय सिर्फ इतना ही था कि भैरव सिंह जी साहब ने सारा जीवन इस पार्टी के लिए दिया है और जिस गरीब को गणेश मानकर वो चले हैं उन नीति को लेकर ये पार्टी चल रही है, इसलिए ये इसको और सहयोग करना चाहिए। अब 23 तारीख को शताब्दी वर्ष, 23 तारीख को वर्षगांठ है, 23 अक्टूबर को, 23/10/23 उनकी जन्मदिन है, तो 23 तारीख को बड़ा फंक्शन यहां पर कर रहे हैं। उस बड़े फंक्शन में क्या दिखाएंगे, स्ट्रेंथ आ जाएगी पूरे राजस्थान के चारों कोनों से। जब कल की लिस्ट देखने के बाद में टेलीफोन आ रहे हैं, बहुत लोग यहां पर भी आए हैं, अब वो सब यही पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ, क्या जवाब दें, बात किसी से हुई नहीं है, इसीलिए अभी तक शांत बैठे हैं, देखते हैं बात होने के बाद क्या क्या निष्कर्ष निकलता है।